तो दोस्तों ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 12 मार्च को लॉन्च होने वाला है। और अगर आप एक Xiaomi के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड बात यह है कि Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन पहले इंडिया के अंदर लॉन्च होगा, फिर उसके बाद ये चाइना के अंदर लॉन्च होगा। और ये सब कुछ Xiaomi के CEO मनु कुमार जैन ने ऑफिशियली ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बताया है, जिससे कि दोस्तों इसका डिजाइन और ऑल स्पेक्स कन्फर्म हो चुकी है। जैसा कि दोस्तों इसके अंदर आपको मिलने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का लेटेस्ट प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप एंड 4500mAh की बैटरी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन के बारे में, क्या कुछ मिलेगा आपको इस फोन में और ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में कितनी प्राइस रेंज में लॉन्च होगा। तो दोस्तों आप भी ऐसे स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो इसके अंदर आपको मिलेगा ग्लास बैक जो कि ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिशिंग के साथ आने वाला है, और इसी के साथ आपको क्वाड कैमरा सेटअप विद एलईडी प्लस भी मिल जाएगी। और अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर आपको मिलेगा 6.44 इंच का फुल HD प्लस एक IPS LCD डिस्प्ले पैनल जो कि दोस्तों डुअल पंच होल कटआउट के साथ आने वाला है, जहां पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसके अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड डुअल सेल्फी कैमराज देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो आपको इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलने वाला है। और अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर जो कि दोस्तों क्वालकॉम की तरफ से एकदम लेटेस्ट है और पावरफुल भी है। और इसके अंदर आपको मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट जो कि बेस्ड होगा MIUI 11 पर। और दोस्तों इसमें आपको एडेनो का 618 का GPU भी मिलने वाला है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 3 रैम वेरिएंट के साथ लॉन्च होगा, 6GB 64GB 6GB 128GB एंड 8GB 256GB, जिसके अंदर आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी मिलने वाला है। और अगर बात की जाए इसके कैमराज के बारे में, तो इसके अंदर आपको रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसका प्राइमरी सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल का, जिसमें दोस्तों सोनी का IMX686 का सेंसर यूज किया गया है। और इसी के साथ आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिलेगा। वहीं पर फ्रंट साइड में आपको सेल्फी के लिए डुअल सेल्फी कैमराज देखने को मिलेंगे, जहां पर 20 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा और 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा। और अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि दोस्तों 27W के सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और बॉक्स के अंदर ही आपको 27W का फास्ट चार्जर डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, और इसके अंदर आपको टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग और लॉन्च रेट के बारे में। तो दोस्तों इसकी बेस ब्रांड यानी कि 6GB 64GB की प्राइस होने वाली है इंडिया के अंदर अराउंड 1400 से 1500 रुपए के बीच में। और दोस्तों जैसा कि यह स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 12 मार्च को लॉन्च होने वाला है, तो दोस्तों देखा जाए तो 1400 से 1500 रुपए की प्राइस में यह स्मार्टफोन इंडिया के अंदर एक किलर स्मार्टफोन होने वाला है। तो दोस्तों ये थी Redmi Note 9 Pro की प्राइसिंग, लॉन्च डेट और स्पेक्स। होप करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।